स्ट्रीट फूड्स यानी गलियों का खाना। स्ट्रीट फूड के अंदर होता है स्वाद और सादगी, और अमृतसर का खाना अगर आपने चखा है तो आप अग्री करेंगे इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया। और जहां पर अमृतसर के अंदर तवा मीट और कुलचा बेहद पॉपुलर है, उसी का वेजिटेरियन वर्जन अमृतसरी न्यूट्री कुलचा इज इक्वली पॉपुलर। और ये जो अमृतसरी न्यूट्री कुलचा है ना, इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं सोया चंक्स, जिसे उबालते हैं, एक स्पेशल मसाला बनता है, इसको भूना जाता है कढ़ाई में, उसके बाद इसे गर्मा गर्म हम परोसते हैं बढ़िया मसाला कुलचा के साथ। सुनने में जितना ये टेस्टी है, दिखने में जितना टेस्टी है, जब आप इसे टेस्ट करेंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अमृतसरी न्यूट्री कुलचा, बल्ले बल्ले। इस रेसिपी के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सोया के चंक्स और सोया का ही कीमा। ये देखिए, ये दोनों इसमें जाएंगे। और मैंने क्या किया है कि इनको भिगो दिया है। अगर आप आधा पौना घंटा इनको भिगोते हैं तो होता क्या है, ये अपनी जो हीक होती है, जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट या स्मेल होता है, वो निकल जाता है इसी पानी के अंदर। और अच्छे से इसको मैं स्क्वीज कर रहा हूँ। ऑलरेडी इसका जो अंदर का हीक है या जो एक स्मेल है, वो कम हो गई है। अगर आपके पास समय नहीं है तो डायरेक्टली कच्चे को भी पानी में डालकर आप उबाल सकते हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क। इसी तरीके से सोए के कीमे को भी हम स्क्वीज करके इसमें डाल देंगे। सोया के अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, और जब ये पकता है ना तो बिल्कुल मीट को ये मिमिक करता है। वेजिटेरियंस का मीट कहलाने वाला है सोया, पौष्टिक है, पेट पे भी हल्का होता है। और जब ये बॉयल हो ही रहे तो इसके अंदर हम फ्लेवरिंग डाल सकते हैं। सबसे पहले तो सीजनिंग, नमक, उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक मोटी कटी हुई, क्योंकि ये फीका होता है। अब आप देखिए कि इसके अंदर नमक, अदरक और मिर्ची का जो फ्लेवर जाएगा, तो इसके अंदर जो ब्लैंडनेस है, फीकापन है, उसको वो काउंटर करके मस्त बना देगा। पहला स्टेप हो गया जी, हमारा ये सोया बॉयल हो रहा है। अब दूसरे स्टेप के अंदर हमें मसाला बनाना है, एक स्पेशल अमृतसरी न्यूट्री मसाला। सबसे पहले बेलीफ, सूखी लाल मिर्च, धनिया, ये गया जी जीरा, दालचीनी, मोटी इलायची, जायफल, ये है जावित्री, हरी इलायची, थोड़ी जी लौंग, देखो जी लौंग रहेगी आगे जी लौंग, ब्लैक पेपर, अनारदाना। और आपके पास अनारदाना नहीं है, नो प्रॉब्लम, टुवर्ड्स दी एंड आप इसके अंदर एक्स्ट्रा अमचूर या चाट मसाला थोड़ा सा डाल सकते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन। साथ ही थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन भी बढ़िया फ्लेवर देती है इसके अंदर ना। इसको हल्का भूनना है ताकि इसका रंग जो है थोड़ा सा लाइट या मीडियम ब्राउन हो जाए। जितना अच्छे से ये भुनेगा उतना ही बढ़िया गाढ़ा काला या भूरा रंग न्यूट्री के अंदर आएगा, जो एक न्यूट्री की ना पहचान है। तो दिल्ली के अंदर भी मिलता है आजकल, अमृतसर में भी बड़ा गाढ़े काले रंग का, जैसे मीट का रंग होता है, बिल्कुल वैसे। गैस ऑफ, और मसाले को हम अलग से निकाल लेंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। यहाँ सोया भी पिछले 5 मिनट से बॉयल हो रहा था, और इसको अब हम छान लेंगे। अब इसे हल्का सा स्क्वीज करना है ताकि एक्सेस वाटर इसका निकल जाए, और ये जो एक्सेस वाटर निकल रहा है इसके साथ साथ कोई एक्सेस सॉल्ट होगा या फिर इसकी जो हीक आती है, जो टेस्ट आता है, वो भी कम हो जाएगा। इसे एक प्लेट पे निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद इसके अंदर जो हमने साबुत हरी मिर्च और अदरक डाला था उसे हम रिमूव कर सकते हैं। मसाला ठंडा हो गया, इसे पीसना है। ये रहा हमारा न्यूट्री का मसाला। अब इस मसाले के अंदर मैं डाल रहा हूँ पीसी हुई कसूरी मेथी। पहले इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि कसूरी मेथी जल जाती, और साथ ही अमचूर है मेरे पास जो ऑलरेडी पाउडर्ड फॉर्म में है, इसलिए पहले नहीं डाला। मिक्स इट अप, और हमारा न्यूट्री मसाला तैयार। अभी जो मसाला बना ना, ये थोड़ा सा ऑब्वियसली एक्स्ट्रा बना है, क्योंकि आप मिक्सर ग्राइंडर में जब पीसेंगे बहुत थोड़ी क्वांटिटी तो पीस नहीं सकते, तो ये मसाला मैं पूरा इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसलिए इस मसाले को आप अलग से रख सकते हैं। कोई भी सब्जी बनाते हैं, कोई भी आप नॉन वेज बनाते हैं, उसके अंदर इस मसाले को बतौर गरम मसाला आप इस्तेमाल करिए, बढ़िया टेस्ट आएगा। अब आ गया टाइम कढ़ाई में न्यूट्री को भूनने का। देखिए, जब भी न्यूट्री या अमृतसरी छोले बनते हैं तो लोहे की कढ़ाई में बेस्ट बनते हैं। लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं ना, तो अपने आप वो एक गाढ़ा रंग भी देता है उनको ना। इसे हम पकाएंगे घी के अंदर।
अब देखिए, क्योंकि हमने जो गरम मसाला बनाया था उसमें सारे मसाले हैं, तो टेक्निकली इसमें कोई खड़ा मसाला डालने की जरूरत इस वक्त नहीं है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे थोड़ी हींग के साथ। हींग अगेन ऑप्शनल है। हींग के अंदर सीधा प्याज। देखिए कुल मिला के ना चीज़ है कि अमृतसरी छोले या अमृतसरी मीट जो तवे पे या कढ़ाई पे बनते हैं, उन सब का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, बस उसी के अंदर हमें न्यूट्री को ढालना है। और अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया काले रंग के वो गाढ़े अमृतसरी स्टाइल छोले कुलचे की रेसिपी, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस स्टेज पे जाएगा अदरक और लहसुन की पेस्ट, ज़रा सा पानी। अब देखिए पानी इसलिए डाला था ताकि प्याज ब्राउन से ब्लैक ना हो जाए। थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी शिमला मिर्च। अब देखिए हमारी जो न्यूट्री है ना, उसका अपना कोई टेस्ट तो है नहीं, जिसे जो भी टेस्ट इस वक्त आप इस कढ़ाई में डालेंगे वही न्यूट्री पकड़ लेगी। अदरक लहसुन को जी भून लिया अच्छे से। अब बारी मसालों की। मसाले सिंपल हैं, ज़रा सी हल्दी, यह है कश्मीरी लाल, और हमारा स्पेशल अमृतसरी न्यूट्री मसाला। ये डालते ही जो न्यूट्री का रंग है वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, विच मीन्स चाय का पानी, सोया सॉस जो कई लोग डालते हैं इसे काला करने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त। मैंने गैस को हल्का कर दिया, हल्की आंच पे मसालों को मैं भून रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा काला मसाला। गैस थोड़ी तेज़, क्योंकि अब बारी है ताज़े पिसे टमाटर की। टमाटर जाते ही इसके जो शक्ल सूरत है वो थोड़ी सी सेट हो जाएगी। अब इस मसाले को अच्छे से पकाना है ताकि ये बिल्कुल सूख जाए और बढ़िया टेस्ट दे। पकाते वक्त इसमें हम डालेंगे काला नमक और हमारा रेगुलर सॉल्ट, साथ ही ज़रा सी चुटकी भर कसूरी मेथी। अब देखिए भुनने में से थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ये जो मेहनत इस वक्त आप कर रहे हैं ना, फाइनल टेस्ट में वो रंग लाएगी। जैसे जैसे ये भुन रहा है, साइड से आप देख सकते हैं कि जो तेल है वो ऊज आउट हो रहा है, जो निशानी है कि हमारा टमाटर और मसाले पक गए। अब समय है इसमें न्यूट्री डालने का। ये गई जी न्यूट्री। गैस तेज, और अब इसे हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट ऑन हाई फ्लेम। परफेक्ट, क्या बढ़िया न्यूट्री बन रही है। उसके बाद जब आप कुलचा खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। अच्छे से भून गया ना, इसमें जाएगा पानी। पानी इतना डालना है कि ये अच्छा रसेदार सा बन जाए। अब इसे हमें उबलने देना है जब तक कि ये दोबारा से गाढ़ा ना हो जाए। दैट्स इट। देखिए जितना इसको आप अब भूनेंगे ना उतना बढ़िया ये फ्लेवर देगा, और आपके ऊपर है, आप इसको काफ़ी गाढ़ा रख सकते हैं या थोड़ा सा पतला करके रनी भी सर्व कर सकते हैं। देखिए पक पक कर क्या बढ़िया गाढ़ा हो गया ये। लुक एट दिस, क्या मज़ेदार लग रहा है। दिल कर रहा है कुलचा तोड़ो और कढ़ाई से खा जाओ। इसके अंदर हम डालेंगे धनिया। ब्यूटीफुल, और न्यूट्री तैयार। अब बारी है कुलचे की। कुलचे को मौका दिया जाएगा जी तवे पे जाने का, लेकिन उससे पहले मक्खन, फिर हमारा कुलचा थोड़ा सा हल्की आंच पे सेकेंगे ताकि ऊपर से हल्का सा करारा हो जाए। और हाँ, अगर आप बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल खाना चाहते हैं तो क्या करना है जी, यही कुलचे को लेना है और हमारा ये जो न्यूट्री बना हुआ है उसमें यूँ डिप करना है। ये देखिए जी, सारा रोगन लग गया है इस पे। ये जाएगा तवे पे। आवाज़ सुनिए क्या बढ़िया से आई है। परफेक्ट, ये तैयार। अगले कुलचे के साथ भी कुछ यूं ही, और ये भी जाएगा तवे पे। क्या बढ़िया आवाज़ आई है। छूं, देखिए कुलचा यूजली होता है फीका, लेकिन अब ये बन गया मसाला कुलचा। देखिए कायदे से तो न्यूट्री भी तैयार है, कुलचा भी तैयार है, लेकिन जब आप अमृतसर या दिल्ली में इसे खाएंगे, जो सड़क पर जो भाई है वो इसके अंदर एक स्पेशल तड़का डालता है। सिंपल सा है। अब ये तड़का ऑप्शनल है। ये है थोड़ा बटर, ये जाएगी इसके अंदर न्यूट्री, न्यूट्री ऑन द साइड, बीच में थोड़ा सा और मक्खन, इसके अंदर थोड़े से प्याज, थोड़ी गाजर और थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च। सिंपली प्याज और शिमला मिर्च और गाजर जो है उसे हल्का सा पकाना है। बस तवे पे 1 मिनट के लिए रखेंगे, अपने आप ये नरम पड़ जाएगा। अब इसके अंदर न्यूट्री मिलेगी, ज़रा सा पानी का छींटा, मिक्स इट अप। क्या खुशबू आ रही है। मक्खन, शिमला मिर्च, प्याज जाते ही
न्यूट्रीमेक्स मानो जान आ गई। गैस ऑफ, चलिए इसे प्लेट करते हैं। और हमारा अमृतसरी न्यूट्री कुल्चा डन।